आइए हम लोग प्रोग्रेशन चैप्टर में, आप जानते हैं कि एपी जीपी एचपी बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स में टॉपिक्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले प्रोग्रेशन में आप लोग को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एपी किसको बोलते हैं। कोई भी सीरीज, जैसे ये सारे सीरीज कहलाते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके सीरीज दिया जाएगा। अ सीरीज ऑफ क्वांटिटीज व्हेन द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म्स, इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऐसे टर्म्स बोला जाता है, ठीक है ना। एंड द प्रेसिडिंग वन इज द सेम थ्रू आउट द सीरीज इज सेड टू बी इन ए पी। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? ये बता रहा है कि कोई भी अगर जो सीरीज दिया हुआ है उसका जो डिफरेंस है, दो डिफरेंस, प्रेसिडिंग मतलब पिछला जो डिफरेंस है, जैसे 4 और 2 का डिफरेंस 2, 6 और 4 का 2, 8 और 6 का 2, 3 और 1 का 3, तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं 3 और 1 का देख रहे हैं 2, 5 और 3 का 2, यहां पर देखिए 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, 7 में से 4 गया 3, यहां पर 3। अब लेंगे सर यहां पर भी सेम है, कैसे? सो देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ए और डी में, यानी हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट। 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3। यहां पर भी देखिए ए प्लस डी में से ए गया तो खाली डी बचा, ए प्लस 2D में से ए और डी गया तो ए और गया तो ये तो खत्म, 2D में से डी गया तो एक डी बचा। तो देखेंगे डिफरेंस यहां पर भी डी हो रहा है, यहां पर भी डी हो रहा है, यहां पर भी डी हो रहा है, देखिए ए ए गया, 3D में से 2D गया, क्या बच गया, डी। द एल्जेब्रिक डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट हम लोग जनरली करते हैं डी से। तो एपी आपको समझ में आ गया कि एपी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो एपी बहुत बड़ा बात नहीं है, एपी किसी भी सीरीज का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट कॉमन होना चाहिए, उसी को हम लोग एपी सीरीज बोलते हैं, और जो डिफरेंस होते हैं उसको जनरली हम लोग डी से डिनोट करते हैं। देखो एपी में ये भी काफी इजी है, यानी अगर स्टूडेंट्स ये चाहता है कि हमको बढ़िया नंबर लाना है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं बढ़िया नंबर लाना है, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं हमको पास करना है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो अच्छा मार्क्स लाने के लिए भी आपको हेल्प करेंगे और पास करने के लिए भी हेल्प करेंगे, यानी दोनों तरह से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो सबसे पहले हम लोग का अगर यहाँ पर कोई भी नंबर दिया रहता है, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, तो उसका अगर हम लोग nth टर्म निकालेंगे, कोई भी टर्म, मान लीजिए ये 2 हुआ पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, अगर कोई बोल देगा बताइए ये जो सीरीज है इसका 50th मतलब 50वां टर्म क्या होगा, तो क्या आप लिख के देखेंगे कि ये पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर फोर्थ, अभी 4 बार हुआ है, फिर आप 10, 12 ऐसे करके लिखेंगे? नहीं, इसके लिए फॉर्मूला है Tn is equal to a plus n minus 1d to find nth term of an AP series. AP series का कोई भी टर्म आप इस फॉर्मूला को बिठा के निकाल सकते हो। यहां पर a is equal to first term of an AP series, पहला टर्म, तो बताइए अगर हम बोलेंगे ये सीरीज दिया हुआ है और 50वां टर्म निकालना है, तो बताओ इसमें a कौन होगा, तो ये 2 होगा। D is equal to common difference, अभी मैंने बताया था common difference, second minus first, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, n number of terms, जो भी टर्म आपको निकालने के लिए बोलेगा। बोलेंगे सर यहां तो l तो दिख नहीं रहा है, l क्यों आप लिखें, तो देखेंगे जी कभी कभी लास्ट टर्म बोलता है तो उसको हम लोग l से डिनोट करेंगे, वो अभी आप सम्स जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आइए आपको इस ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं उसको मैं बगल में लिख दे रहा ताकि आपको आसान हो, जब हम लोग सम्स करेंगे आपको परेशानी नहीं हो। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और a का मतलब, n का मतलब, d का मतलब समझा ही चुके हैं। देखिए आपको एक सीरीज दिया हुआ है, 12th टर्म बोल रहा है,
14, 12, 10, 8 एंड चला गया, बताइए पहला टर्म हुआ, दूसरा तीसरा 12 टर्म क्या होगा? अब हमें सर लिख के तो जल्दी बताया जा सकता है, अरे 12 बोला इसीलिए, अगर 100 200 बोल देगा तो क्या करेंगे? तो आइए हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो कितना आसान हो गया, फॉर्मूला मैंने बिठाया a इज इक्वल टू 14, कौन सा टर्म बोल रहा है 12, तो n इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट, तो यहां सेकंड 12 है, 12 में से 14 माइनस किए तो माइनस का साइन ज्यादा हो गया। अब हम लोग a के जगह 14 बिठा दिए, प्लस n के जगह हम लोगों ने 12 बिठाया, 1 के जगह 1, d के जगह माइनस 2, 14 तो 14 आ गया, 12 में से 1 गया तो 11, 11 को अगर हम लोग माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 22। अब आप देख रहे हैं ये कैसे आया, सो समझ लीजिए, पर काफी लोग बोलते हैं सर ये कैसे आप 22 लिख दिए, अरे 12 में से 1 गया तो कितना हुआ 11, 11 इंटू 2 तो माइनस 22 हुआ कि नहीं, वही माइनस 22। अब यहां माइनस का साइन ज्यादा है, यहां प्लस तो माइनस 8। देखो एक सीरीज दिया हुआ है और ये सीरीज में 20 टर्म मांग रहा है, सीरीज है 147। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले हम लोग a देखेंगे, a इज इक्वल टू 1 हो गया, n 20 एंड d हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 1 3। नाउ tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a के जगह 1, 20 माइनस 1 और d के जगह 3, 1 तो 1 हो गया, अब देखिए 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 3, इसमें हमको नहीं लगता कि कुछ समझाना है। कारण क्या है कि जब भी एपी बोलेगा और कोई भी अगर टर्म बोलेगा आपको तो हमेशा याद रखना आप कि सबसे पहले आप सीरीज में जो पहला होगा उसको a जो भी टर्म बोलेगा एंड डिफरेंस लिख देना, आपका काम हो जाएगा। देखो क्या बोला इस सम्स में, ऐसा मत सोचना कि एक सीरीज दे देगा और उसमें से आपको बोलेगा कि 10 मार्क्स सीरीज, 10 10 टर्म 50 टर्म 100 टर्म्स क्या है, आपको ऐसे भी दे सकता है, द फर्स्ट टर्म एक सीरीज का 3 है और जो सेवंथ टर्म अभी आप निकाल रहे थे सो दे दिया 39, तो बोलता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, टीएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टी सेवन, ए के जगह हम लोग 3 बिठा सकते हैं और आप एन तो देख ही रहे, सेवन टर्म, डी पता नहीं है बट ये सॉल्व करने से कितना आएगा 39। बात को समझिए, ये एंथ टर्म निकालने का फॉर्मूला है और सेवन टर्म इजिकल टू आपको दे दिया हुआ है, सेवन टर्म इजिकल टू 39 दे दिया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला में ए बिठा दिए। अब देखो क्या होगा, ध्यान से, यहां पर 7 में से 1 गया तो 6 डी इज इक्वल टू ये 39 है, यहां प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, इसीलिए डी इज इक्वल टू 6 आंसर। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग को अगर कोई भी टर्म दे देगा और ए भी मांग सकता है, देखेंगे आगे भी आप देखेंगे कि आपको दो टर्म दे देगा और दो टर्म देने के बाद आपको बोलेगा कि बताइए ए क्या होगा और डी क्या होगा, ये भी बोल सकता है, हो सकता है कि आपको दो टर्म दे दे और एक टर्म और भी बोलेगा निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए टी सेवन दे दिया, टी ट्वेल्व दे दिया, बोलेगा टी फिफ्टीन क्या होगा, अरे जब टी सेवन दे दिया टी ट्वेल्व दे दिया तो टी फिफ्टीन हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग कम से कम ए और डी निकाल लेंगे, ए और डी निकालने के बाद कोई भी हम लोग कोई भी टर्म को निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके दिया हुआ है और बोलता है ये 25 जो है वो कौन सा टर्म है, हमको a पता चल चुका है d पता चल चुका है बट ये कौन सा टर्म है ये हम लोग को नहीं पता है, मतलब n नहीं पता है, मतलब क्या n हम लोग को नहीं पता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, फॉर्मूला में पहले
हम लोग बिठाएंगे, ए के जगह 5, एन तो पता नहीं है बट डी अपने को पता है, बट हम दिस इज इक्वल टू ये सोचेंगे कि 25, जैसे कोई अपने आप टर्म निकल जाएगा, जैसे भी आप डी निकाल रहे थे, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है nth टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए, अगर सारे टर्म दे देंगे तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं, अगर बोलेगा 50वां टर्म क्या होगा तो निकाल सकते हैं, अगर डी नहीं दिया तो आपको टर्म बता देगा कि टोटल कितना होता है, जैसे इसके पहले देखे थे। अभी यहां पर क्या बोला है कि ये 25 कौन से टर्म में है, या बोलेगा 25 क्या इस सीरीज का पार्ट है या नहीं है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको। तो हम लोग ए ले लिए, डी ले लिए, अब ये 25 हम लोगों ने यहां पर बिठा दिया, इसमें ए के जगह 5, एन के जगह पता ही नहीं है 1, डी के जगह 2 आ गया, एन तो पता ही नहीं है, एन इज इक्वल टू एन रहने दिए, बट दिस इज इक्वल टू 25। अब देखो इससे हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 2n माइनस 2, ये 5 उधर जाएगा, 2n ये माइनस है प्लस हो गया, इसलिए n इज इक्वल टू 11 टर्म। देखिए बातों को भी बढ़िया से समझिए, क्या किए हम लोग, हम लोग a लिखें, d लिखें, n अपने जगह रह गया, tn इज इक्वल टू फॉर्मूला बिठा दिए, फॉर्मूला में हम लोगों ने बिठा दिया इज इक्वल टू 25। अब अगर इज इक्वल टू 25 लिख दिया या कुछ भी दिया रहेगा तो ये कौन सा टर्म है अपने आप निकल जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कैसे आया, यहां सॉल्व को देखिए, ये 5 उधर चला गया, 25 में से 5 गया तो 20, 2n माइनस 2, अब 2n क्योंकि ये 2 फिर हम लोग उधर ले गए तो 22 हो गया और 11 आ गया। देखेंगे इसी टाइप का एक सवाल और भी करवाते हैं, देखेंगे किस तरह से बोलता है, उसको थोड़ा सा देखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि -43 क्या इस सीरीज का कोई टर्म है, अभी अपने आप पता चल जाएगा अगर टर्म है तो कौन सा टर्म है, अगर आ जाएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। तो यहां पर a इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट माइनस 3, इन अपने को पता ही नहीं है। आओ वापिस एक चीज हम आपको दिखा दें, बोलता है -43 इस सीरीज का टर्म है या नहीं है, ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन नहीं पता है, फॉर्मूला में बिठा दिए, ए के जगह 14, एन एन ही रहेगा, डी -3, बट हम लोगों ने देखा कि हमको यह देखना है कि -43 कौन सा सीरीज है, जस्ट जैसे अभी हम लोग किए थे। तो देखो यहां पर ये 14 जो है उधर चला जाएगा तो ये प्लस है तो उधर माइनस में, -3n माइनस माइनस प्लस 3, -3n अपने जगह रहा, ये जोड़ने से -57 हो रहा है क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है, इनटू नहीं हो रहा है कि जो प्लस हो जाएगा, पहले से 43 माइनस फिर 14 माइनस तो -57, ये जो 3 है उधर चला गया तो अब -60, -3n इज इक्वल टू -60, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और n इज इक्वल टू 20 टर्म, यानी -43 इज ए टर्म ऑफ दिस सीरीज, एंड वो कौन सा टर्म है तो 20, 20वां टर्म है।